हे गाइस, कैसे हो आप सब। अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, चल रहे हैं नवरात्रे। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, मैंने आपको माता के किस तरह से दर्शन कराए। अब हम पहुंच चुके हैं जम्मू। हमारी रात की है फ्लाइट, बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमने सोचा कि चलो आसपास की कुछ चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। किसी ने हमें दो चार चीज़ें बताई थी, लेकिन कोई भी काम शुरू करने से पहले होनी चाहिए पेट पूजा। तो सबसे पहले हमने खाया थोड़ा सा खाना और फिर हम पहुँचे जम्मू, और उसके बाद हम पहुँचे जम्बू जू। जम्बू जू जो हमारा पड़ता है खानपुर नागरोटा में। तो सबसे पहले एंट्री पर आपको लेनी पड़ेगी टिकट, जो कि पड़ती है 80 रुपीज़ की। लेकिन अगर आप ई रिक्शा करना चाहते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा धूप थी, हम लोग पैदल चलने की बिल्कुल हालात में नहीं थे, बिकॉज यात्रा करके भी आए थे, तो हमने किया ई रिक्शा, जिसके आपको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। और इस जू की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसे नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट जू कहा जाता है, जिसकी वजह से भी हमारा मन हुआ कि ये जगह तो ज़रूर देखनी चाहिए। ये फैला हुआ है 162 हेक्टेयर्स के एरिया में, और ऐसा कहा भी जाता है कि सीजन में यहाँ पर हर रोज लगभग 2500 विजिटर्स आते हैं। और अभी धूप थी और सीजन भी इतना नहीं चल रहा है, तो ज्यादा विजिटर्स देखने को नहीं मिल रहे थे, इसलिए बहुत आराम से हम लोग यहाँ पर घूमे। यहाँ पर लगभग 150 एनिमल्स हैं, जिसमें कि लायन, टाइगर, लेपर्ड, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, आपको सब तरह के जानवर देखने को मिलेंगे। और पार्किंग की यहाँ पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है, तो अगर आप किसी भी गाड़ी से आ रहे हैं तो आराम से अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक एडवाइस है कि आप यहाँ पर जा रहे हैं तो प्लीज इवनिंग में जाना, बिकॉज हम लोग दोपहर में गए थे तो मोस्टली जो है एनिमल्स यहाँ पर सो रहे थे या फिर नजर नहीं आ रहे थे। और उसके बाद हम पहुंचे एक्वेरियम कम फिश अवेयरनेस सेंटर में। ये पड़ता है बाउ फोर्ट के पास, जो कि है अंडरग्राउंड और देखने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर टिकट लेनी पड़ेगी, जो कि सिर्फ है 30 रुपीज़ की। हाँ, अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं, चाहे कैमरा से चाहे फोन से, आपको उसके अलग पैसे पे करने पड़ेंगे। हमने फोन से की थी तो उसके हमें 25 रुपीज़ अलग से देने पड़े थे। हालांकि हमें किसी ने बताया था कि दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्वेरियम, मे बी दे हैव रिड्यूस द साइज ऑफ द बिल्डिंग ड्यू टू रेनोवेशन वर्क, बिकॉज काफी जगह मैंने देखा कि मेंटेनेंस चल रही थी, रेनोवेशन हो रहा था, तो उस वजह से उन्होंने काफी जगह बंद कर रखी थी। ओवरऑल इट इज़ अ गुड प्लेस, आप यहाँ पर बच्चों को ले जा सकते हैं, वो काफ़ी कुछ सीखेंगे फिशेज के बारे में, एक्वेटिक लाइफ के बारे में। लेकिन मेरे एक एडवाइस है, अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो पता कर लेना कि यहाँ पर रेनोवेशन पूरा हो चुका है या नहीं, बिकॉज अभी तक तो मुझे बहुत कुछ देखने को यहाँ पर नहीं मिला। बट उसके अलावा मुझे ऐसा लगा कि ये एक प्राइवेट लिटिल फिश टैंक है जिसे मैं देख रही हूँ, बट ठीक है, एक्सपीरियंस वॉज गुड। हो सकता है कि मैंने पहले काफी बड़े बड़े एक्वेरियम देखे हैं, तो शायद मैं उससे कंपेयर कर रही हूँ, और इसे लार्जेस्ट एक्वेरियम भी कहा जा रहा था, तो हो सकता है इसलिए थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हो गई। पर ठीक है, जैसा भी था, जितना भी था उतना तो अच्छा था, और जो बाहर शेप बना रखी थी फिश की वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, और यहाँ पर ग्रीनरी भी थी, लेकिन हम लोग धूप में थे तो बहुत ज्यादा मजा नहीं आया। तो बारिशों के मौसम में हमने तो ले लिए बहुत मज़े, हम लोग और ज़्यादा घूम भी नहीं सकते थे, बिकॉज हमारी फ्लाइट थी और हमें निकलना था, तो हम ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाए, तो हमने सिर्फ ये दो चीज़ें एक्सप्लोर की जम्मू में। अगली बार आएंगे तो और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, और बने रहिए अगली वीडियो के लिए, हम कहीं और जाएंगे, कुछ ऐसी ही जगह, कुछ इससे अच्छी जगह जो आपको अच्छी लगे और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।